जो कांग्रेस ने ज्यादतियां की मुसलमानों के साथ, वही ज्यादती इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट में चल रही है। तो अब सवाल ये होता है कि अब ये सोचता होगा कि कांग्रेस ज्यादा बुरी है या ज्यादा बुरे, फिर चाहते हैं हिंदुस्तान डिवाइड होता है, क्योंकि अब मस्जिदों में नमाजों से रोका जाएगा, इमाम पारों में मंडिसों से रोका जाएगा, दरगाहों में श्रद्धालुओं को जाने से रोका जाएगा, तो अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा? वक्फ बोर्ड चौकीदार है, मालिक नहीं है। आप चौकीदार को मालिक बना दे रहे, वक्फ हमारी शरीयत का मामला है, और आप ये भी आदर कर दे कि आप जो निकाह जो है वो भी कोई पंडित पढ़ सकता है। अल्लाह का शुक्र है कि आज 421 सीटें होती तो कल बिल पास हो जाता। और आज हिफाजत के लिए हम लोग तकरीबन 25 साल स्वतंत्र ही चलाए हुए हैं, और औरों के कमरे में उनको रखना पाता है, लेकिन ये जो बिल पास हुआ है, पांच महीने रखा गया है, इसको मैंने अगर देखा तो इससे अंदाजा हुआ कि इस बिल के जरिए से वक्फों को तबाह कर दी पूरी प्लानिंग की, कि हिंदुस्तान में एक भी वक्फ बाकी नहीं, एक भी वक्फ बाकी ना रही पूरी प्लानिंग इसमें। और सबसे पहले हमारे हिंदू भाइयों को जो है सबसे ज्यादा ये भरम में फैलाया जाता है, और सबसे बात फूट के बोला जाता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो वक्फों की मिल्कियत, और फिर कहा जाता है आप रेलवे की इतनी मिल्कियत और फौज की इतनी मिल्कियत और तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड की इतनी मिल्कियत। बिल्कुल सबसे बड़ा दुनिया का झूठ यही है, सबसे बड़ा दुनिया का झूठ जो गवर्नमेंट बोल रही है वो यही है, और जो मीडिया के पक्ष हो रहा है बढ़ाया जा रहा यही है। वक्फ बोर्ड एक इंच का भी मालिक नहीं है, एक इंच जमीन का भी मालिक नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड है केयर टेकर, वक्फ बोर्ड है मुहाफिज। हमारे मोदी जी ने जैसे कहा कि मैं पुल का चौकीदार हूं, तो पुल के चौकीदार है, पुल के मालिक नहीं गए अपने, तो मैं हिंदुस्तान का मालिक हूं, हिंदुस्तान के मालिक है, मालिक तो नहीं है, चौकीदार कहा है, पर इसी तरह का वक्फ भी है जो वक्फ का चौकीदार है, वक्फ का चौकीदार है। जिस तरह मोदी जी जो कहते हैं कि मैं भारतवर्ष का चौकीदार हूं, उसी तरह से वक्फ का चौकीदार है, मालिक नहीं है। आप चौकीदार को मालिक बना दे रहे, कोई एक इंच भी, तो ये लोग अल्लाह के नाम पर जो मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी दान दी है वो है वक्फ, न गवर्नमेंट इसकी मालिक बन सकती है, न वक्फ बोर्ड इसका मालिक बन सकता है, ये दान दी हुई जमीनें हैं, जो लोगों ने अपनी जमीनें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जमीनें जायदादें प्रॉपर्टी दान दी है अच्छे कामों के लिए, धार्मिक कामों के लिए, लिहाजा ये दान दी हुई है, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है। आप अल्लाह की प्रॉपर्टी को कैसे कब्जा कर सकते हैं, अल्लाह की प्रॉपर्टी में कैसे कब्जा करोगे? तो जो भगवान के नाम के ऊपर प्रॉपर्टी किसी ने दे दी है वो कैसे कोई इंसान पर कब्जा कर सकता है? तो बहुत बड़ा धोखा है, बिल जो है बहुत बड़ा धोखा है, और इसको बिल्कुल दिए साफ रखे के दिवाली रूल वाली जो अंग्रेजों की पॉलिसी है वो मौजूदा गवर्नमेंट उसको भी इस्तेमाल करना चाहती है। और ये कहा जा रहा है कि हम दफा 37-44 पे वक्फ दर्जों को नहीं मानेंगे, आप वक्फ डीड लेके आइए, वक्फ डीड लेके आइए। 400 साल पुरानी दरगाह है आपके सामने, 400 वक्फ डीड की मिल जाएगी, इसकी वक्फ डीड मिल जाएगी 400 साल पुरानी, बड़ा इमामबाड़ा आसमी इमामबाड़ा जिसको पूरी दुनिया से लोग देखने आते हैं, 250 साल पुराना है, कोई वक्फ डीड की मिलेगी? मिलेगी वक्फ डीड की? जामा मस्जिद आज की यहाँ जमती पूरी भारत के सामने जाहिर कर रहा हूं, अब अहमद के पास 400 साल पुरानी है, 500 साल पुरानी है, आपके यहाँ वक्फ डीड नहीं है, फिर गवर्नमेंट की होगी जामा मस्जिद? ये जामा मस्जिद दिल्ली की गवर्नमेंट की हो गई, क्योंकि वक्फ डीड नहीं है, तो बेवकूफ बनाया जा रहा है बेटर। और दूसरी जो धार्मिक स्थान है वहां वक्फ डीड की जरूरत नहीं, सिर्फ वहां अगर पूजा होती है तो मंदिर बनाया जाएगा, वहां अगर फर्ज के लिए किसी की मूर्ति रखी है मंदिर माना जाएगा, लेकिन 500 साल से अगर किसी मस्जिद में नमाज होती है उसको मस्जिद नहीं माना जाएगा, यह है उसको मस्जिद नहीं माना जाएगा, अगर 500 साल में नमाज होती है मस्जिद नहीं माना जाएगा, वक्फ डीड लेकर आओ।
बहुत लाओ हम तब मंदिर मानेंगे। तो कितना बड़ा भेदभाव है कि आप मंदिरों के लिए आप बाउंड्री नहीं मांग रहे हैं, आप गुरुद्वारों के लिए नहीं मांग रहे हैं, आप जय मानों को नहीं मांग रहे हैं, आप ईसाइयों से नहीं मांग रहे हैं, क्रिश्चियन से नहीं मांग रहे हैं, आप मुसलमान से कह रहे हैं मस्जिद की बाउंड्री लाओ, इमामबाड़े की बाउंड्री लाओ, दरगाह की बाउंड्री लाओ, उन्हें गवर्नमेंट की हो जाएगी। तुम 400-500 पहले आप बताएंगे बहुत था क्या, 23-24 बढ़ रहे हैं, 200-300 साल बढ़ रहे हैं। अरे बहुमोट कब था 100 साल पहले, था बहुमोट 100 साल पहले, तो उसमें पकनामे में दाखिल किए जा रहे थे, 100 साल पहले बहुमोट था नहीं था तो बहुत कैसे उसमें दाखिल हो जाएगी। पहले तो जबानी वक्त होता था, उलमा के पास गए, हमारे खुद परदादा के पास आते थे, बड़ा आते वहां के उन्होंने कहा कि आप हम तो वक्त करते थे, सीधा वक्त पढ़ा जाता है, बिल्कुल मौत होते क्या ये वक्त हो गया, न किसी जीव की जरूरत न किसी चीज की जरूरत, वक्त हो गया मान लिया क्या वक्त पाई गुजर नहीं, वक्त पाई गुजर नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है कि वक्त पाई गुजर नहीं, और किसी कौन के लिए आप कानून क्यों नहीं रख रहे हैं। कई पूजा हो गई आपको मंदिर मान रहे हैं, कई मूर्ति रखी उसको आप मंदिर मान रहे हैं, कई जो बड़ा धार्मिक काम हो रहा है आप उसको मान रहे हैं, लेकिन मस्जिद अगर नमाज हो रही है तो आप उसको मस्जिद नहीं मानेंगे, इमामबाड़े में मस्जिद हो रही है आप उसको इमामबाड़ा नहीं मानेंगे, दरगाह मार्ग पर लोग जाके श्रद्धालु आ रहे हैं तो आप दरगाह नहीं मानेंगे। ये कौन कितना हिसाब भी है कि इसी को हिसाब कहते हैं, बहुत बड़ा अत्याचार है। और ये और फिर कलेक्टर का आपको पूरा खोल सुना पावर दीजिए, कलेक्टर फैसला करेगा वो है कि नहीं है, तो आप मुझे इतना बताइए कि जितनी जो मफीन है भी जितनी भी मफीन है तो अभी तकरीबन 3 या 4 लाख मफीन अभी होगी मौजूद, और सब या पर्शियन में उर्दू में है या पर्शियन में उर्दू में है, क्या कलेक्टर समझेगा उर्दू, वो कहेगा ट्रांसलेशन करके लाओ, और 6 महीने में टाइम दिया गया है, सिर्फ ट्रांसलेशन में 10 साल लग जाएंगे। जितनी बाउंड्रीज है सबका अगर हिंदी में ट्रांसलेशन करवाया जाए तो 10 साल की मुद्दत चाहिए इसके लिए, पूरा अलग डिपार्टमेंट खोला जाए 100 आदमियों का कि जो खाली बाउंड्रीज की ट्रांसलेशन हिंदी में करें, तब कलेक्टर समझेगा क्या लिखा हुआ है इसमें, तब वो फैसला करेगा, और टाइम क्या दिया 6 महीने का, 6 महीने में आप साबित कर दीजिए कि वक्त फैले नहीं है, और कलेक्टर पूरा कोई अदालत नहीं कोई कोर्ट नहीं कोई कोर्ट नहीं, कलेक्टर ने फैसला कर दिया वक्त नहीं है तो नहीं, क्या है तो है, कैसे समझेगा वो पर्शियन को, कैसे समझेगा वो उर्दू को, तो बहुत बड़ा ये बिल नहीं है धोखा है, ये साफ का बिल है, इसके अंदर हाथ डालिएगा साफ बदले गए साफ का बिल है। क्या ये बात आप कह देते हमारी, मुश्किल ये होता है कि तो कहते हो आप लोग नहीं बात कह पाते, पहुंचानी बात है, ये सांप का बिल है, ये हृदय का बिल है, और इसमें बहुत बड़ी बुरी नीयत है गवर्नमेंट की, और हम तो समझते हैं शायद वो फिर वो हिंदुस्तान को डिवाइड करना चाहते हैं, फिर चाहते हैं कि हिंदुस्तान डिवाइड हो जाए, क्योंकि अब मस्जिदों में नमाजों से रोका जाएगा, इमाम बाड़ों में मंदिरों से रोका जाएगा, दरगाह में श्रद्धालुओं को जाने से रोका जाएगा, तो अंजाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा, गवर्नमेंट सोचा कभी इसका, ये सोचा है सोच समझ के हो जाता है फिर से वही माहौल पैदा हो जाए 47 वाला, चाहते हैं भाई 47 वाला माहौल पैदा हो, क्योंकि जब मस्जिदों के अंदर जाने से रोका जाएगा कसाई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो रिजल्ट क्या होगा उसका, सड़क को पढ़ने नहीं देंगे, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, मस्जिद में पढ़िए, और मस्जिद जो है वो गवर्नमेंट की है तो कहां पढ़ेगा ना मारो, फिर बाबा फिर वही 47 वाला मामला पैदा हो जाएगा। पूरी भयानक साजिश की गई है, भयानक कॉन्स्पिरेसी है, बहुत ही भयानक कॉन्स्पिरेसी है, तो मुसलमानों के और असलियत को, अरे आप इसी भाई बड़े खुल जाए उनके खिलाफ नहीं हुआ है, कैसे खुल जाए, ये हमारे टेस्ट हो रहा है, ये हम पर टेस्ट हो रहा है, उनकी भी नौबत आने वाली है, उनकी बारी आने वाली है, उनकी बारी आने वाली है, टेस्ट हम पर किया जा रहा है, इसलिए तमाम मुसलमान
और तमाम जो जो सेकुलर माइंड वाले हैं, जो लिबरल लोग हैं, सब उसके इसके खिलाफ होना चाहिए। और इसमें सबसे ज्यादा रोल अगर कोई अदा कर सकता है तो नीतीश जी अदा कर सकते हैं, सबसे ज्यादा रोल अगर कोई अदा कर सकता है तो नायडू जी अदा कर सकते हैं। और क्योंकि ईडी ने बिल पेश कर दिया है, इसकी नीयत खुद साफ नहीं है, इनसे अपनी बात कहेंगे हम, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है हमारी बात मानी जाएगी, क्योंकि उनकी नीति खराब है। वो नीयत इसी नीयत से पेश किया गया है ताकि सारे वक्त खत्म हो जाए, और उसके बाद ये कि हम तो नीतीश जी से कोशिश करेंगे कि हमारे बड़े उलमा जो उनसे मिल जाएंगे, नायडू की कोशिश करेंगे वो मुसलमान का इंसाफ करे, और ये अगर ऐसी नाइंसाफी हो गई तो हिंदुस्तान में बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, घोर अंधेरा हो जाएगा, घोर अंधेरा हिंदुस्तान में पूरा हो जाएगा, और ये प्लानिंग इन गवर्नमेंट की है। लिहाजा हम चाहते हैं कि तमाम चीजें खत्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वफ इज ऑलवेज वफ, वो खत्म कर दिया है, वफ आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम नहीं मानेंगे। इसके अलावा वफ बाई यूजर नहीं है, वफ बाई यूजर अगर नहीं है तो 50% औकाफ खत्म हो जाएगा, बल्कि 60% औकाफ खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये कि जिस पर गवर्नमेंट का कब्जा है उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा कब मुकदमा, और जिस पर लिटिगेशन है यानी गवर्नमेंट ने मुकदमा दायर किया है उस पर भी आगे मुकदमा नहीं चलेगा, गवर्नमेंट की जमीन मानी जाएगी। 80% वक्त यूं ही खत्म हो गए, 80% वक्त यूं ही खत्म हो गए, क्योंकि तकरीबन हर किसी न किसी वक्त के ऊपर लिटिगेशन गवर्नमेंट का है, और यह उनका कब्जा है। आप देखिए लखनऊ में इंदिरा भवन जो बना हुआ है वो वक्त की जमीन में बना हुआ है, नेहरू भवन वक्त की जमीन बना हुआ है, ये वक्त पर कब्जे जो शुरू हुए हैं ये कांग्रेस से शुरू किए हैं, और कांग्रेस ही के रक्षे कदम पर आज की गवर्नमेंट भी चल रही है। अब तो समझते हैं कांग्रेस में आज की बीजेपी गवर्नमेंट कोई फर्क नहीं है, जो कांग्रेस ने ज्यादतियां की मुसलमानों के साथ वही ज्यादतियां इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट में चल रही है। तो अब सवाल ये होता है कि अब ये सोचता होगा कि कांग्रेस ज्यादा बुरी है या जैसे बुरे, तो ये कांग्रेस के जो दक्षिण कदम पर बचे नहीं है, क्योंकि कांग्रेस भुगत चुकी है, तो कहीं इनका भी वही हर्ष हो तो कांग्रेस का हुआ। तो ये तमाम चीजें, इसके अलावा ये वफ डीट को तो बात हो ही गई कि वफ डीट के बगैर जो है वो नहीं होगा, तो वफ डीट एक वफ डीट जो है वो भी नोट कर लीजिए आप, पर्शियन में उर्दू में कलेक्टर साहब तो पढ़ेंगे, पहले पर्शियन जाके एमएम की एक डिग्री लेके आए वहां यूनिवर्सिटी से, पर्शियन के वक्त में पर्शियन में गए हो, फिर जाके वो डीट पढ़ेंगे, वफ डीट पढ़ेंगे। इसके अलावा नंबर 9 जो करप्शन की बात है, प्रोविजन ऑफ रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ अ बोर्ड बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस डिलीटेड। ये था पहले, ये था कि जो चेयरमैन बन जाता था वो बन जाता था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, बोर्ड मेंबर कार्रवाई नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद हमारे ही कह रहे थे, मैंने ही कहा था कि उसमें बढ़ाया गया कि नहीं 2/3 मेजॉरिटी से उसको हटाया जा सकता है, अगर वो बेमानी कर रहा है, अगर बात कर, अब उसको खत्म कर दिया, अब जो चेयरमैन रहेगा वो चेयरमैन रहेगा, बोर्ड के मेंबर को नहीं हटा, चाहे कितनी बार बेईमान क्यों ना हो, कितनी बार दगाबाज क्यों ना हो, कितनी बार चोर क्यों ना हो, लेकिन उसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी धांधली की गई है, और यहां तक के ये भी है कि कोई नॉन मुस्लिम भी चेयरमैन बन सकता है, नॉन मुस्लिम दो भी नॉन मुस्लिम होंगे, नॉन मुस्लिम भी चेयर, सवाल यह है कि गुरुद्वारा में कोई मुसलमान नहीं बन सकता, किसी मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान नहीं बन सकता, किसी जैन मंदिर में कोई मुसलमान नहीं बन सकता, लेकिन हमारे साथ तो इस साफी की जा रही है कि आप कह रहे हैं नॉन मुस्लिम जो है दो मेंबर होंगे वो चेयरमैन भी बनेंगे, हमें बना दिए किसी मंदिर के चेयरमैन, बनाइए मुझे, मैं अपना दाव पेश कर रहा हूं, बदलाव इतने बड़े बड़े मंदिर है, किसी एक चेयरमैन मुझे बना दीजिए, बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, क्यों नहीं बनाया जाए, हम जानते ही नहीं कि वहां क्या रिचुअल्स है, हमें मालूम नहीं कि मंदिर कैसे चलता है, नहीं बनाया जाएगा, तो ये हिंदू कैसे समझा जाएगा कि मस्जिदें कैसे चलेगी, इमामबाड़े कैसे चलेंगे, दरगाह कैसे चलेगी, फिर ये कि साहब दान दिया जाएगा, और दान दिया जाएगा, अभी 6-7 साल पहले सिर्फ एक मंदिर से कई खरब का सोना निकला था, एक मद्रास के एक मंदिर से कई खरब रुपए का सोना निकला था, उसको क्यों नहीं बांटा गया पब्लिक में, गरीबों में बांट दिया जाता है उसको, क्यों नहीं बांटा गया, अभी मुसलमान की प्रॉपर्टी गरीबों में बांटेंगे आप,
जो खरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी और सोना है, आप देखिए अगर बंसी बदराज के मंदिर को देख लिया जाए तो वही का सोना अगर पूरे हिंदुस्तानी को बांट दिया जाए तो हर हिंदुस्तानी गरीब जो है ईमानदार हो जाएगा। सिर्फ बदराज के मंदिरों का सोना अगर गरीबों में बांटा जाए हिंदुस्तान के तो हर गरीब जो है वो ईमानदार हो जाएगा। तो खाली मुसलमानों की प्रॉपर्टी में नजर है तुम्हारी और कुछ नहीं। तो ये इसकी मुखालिफत बेहद जरूरी है, पब्लिक के जरिए से होना चाहिए। सीओ ऑफ द वोटर थॉट है टू बी ए मुस्लिम कैन बी एनी डिसीजन। और सीओ जो है वो क्या समझेगा कि हिंदू आ गया किसी मस्जिद की, तो उसको ये वक्त जो है शरीयत का मामला है, वक्त हमारे शरीयत का मामला है। और आप ये भी आग्रह कर देंगे आप जो निकाह जो है वो उनको पंडित पढ़ सकता है, हिंदू हुकूमत आकर कि निकाह पंडित पढ़ सकता है वो क्या पढ़ेगा वो बता दें यहां पर। तो ये बहुत बड़ी धांधली है, मैंने कहा ये बिल नहीं है अजगर है और अजगर का बिल है, इसके अंदर सिवाय जहर का कुछ नहीं है, सिर्फ जहर और विष है, इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। और सिर्फ मैं तो समझता हूं बहुत बुरी नीयत है गवर्नमेंट की, बहुत बुरी नीयत है। मैंने जो बीजेपी के अच्छे काम है हमेशा उनकी तारीफ की है, मैंने ये भी सुन ली हमेशा अच्छे काम, सबका विकास सबका साथ, हमेशा हमने मोदी जी की इस बात की तारीफ की है कि होना चाहिए ऐसा, और जो अच्छे काम किए सबकी तारीफ की है। भाई ये गुलामी थोड़ी लिखवाई है, गुलामी नहीं लिखवाई है कि जो कहे उसको हाँ हाँ करते चले जाए, नहीं तो गलत होगा उसकी मुखालिफत भी हम करेंगे, जो हमारे नुकसान देगा उसकी मुखालिफत भी करेंगे। और की है यही नहीं और तमाम मकाम पर की है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की 200 मुसलमान लीडर थे यहां पर दिल्ली में जो उसको जलसा हुआ था, सब भरा हुआ था मौलवियों से, एक ही हिम्मत नहीं जो मुखालिफत कर सके यूनिफॉर्म बिल की, सिर्फ मैंने मुखालिफत अकेले की थी। आप लोग इस चीज को हाईलाइट नहीं करते हैं, मजबूर में तो कहना पड़ता है, मजबूर कहना पड़ता है कि 200 मौलवियों में अकेले मैंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत, अकेले 200 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की थी, मुखालिफत की थी। जब लोग इतने चमचे मौलवी थे हिमायत कर रहे थे, बहुत से मुसलमान मौलवी थे वहां पर, हिंदू नहीं थे मुसलमान, सऊदी अरब से यहां बताया गया था वहां पर मुसलमान तजीम है, उसके जो चीफ सेक्रेटरी आए थे वो हिमायत कर रहे थे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, मैं अकेला मुखालिफत कर रहा था। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर उनकी बात की हम हिमायत करेंगे, नहीं जो अच्छी बात उनकी होगी हिमायत करेंगे, जो सही बातें मिल जाएंगी उसकी हिमायत करेंगे। तो ये वक्त जो है बिल्कुल डैमेजिंग है, ये और बड़ी गहरी षड्यंत्र है मुसलमान के खिलाफ, अकलियतों के खिलाफ षड्यंत्र है, और इससे बहुत बुरा इसके रिजल्ट हो सकते हैं, क्योंकि वही जब नमाजें नहीं पढ़ने दी जाएंगी, मस्जिदों में कब्जे होंगे, इमामबाड़ों में कब्जे होंगे, दरगाहों पर कब्जे होंगे, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो गवर्नमेंट खुद भी मालूम है, वो चाहती है कि वैसे ये माहौल फिर पैदा हो जाए जो 47 का माहौल था, ज्यादा इनकी सख्ती तो माले कर सकता है, क्योंकि एकदम से हम लोग आए थे रात ही नहीं मिला हमको, ज्यादा से बहुत बड़े पैमाने पर हम उलमा को जमा करके और पैमाने पर, और सबसे ज्यादा हमारी जो उम्मीद है हमारी वो नीतीश जी से, सबसे ज्यादा उम्मीद जो हमारी है वो नायडू जी से है। अल्लाह का शुक्र है कि आज 401 सीटें होती तो कल बिल पास हो जाता, ये तो भगवान की कृपा है, ये तो अल्लाह का शुक्र है, इनकी मेजोरिटी नहीं है, वरना कल पास हो गया होता हम सब पीट रहे होते। लेकिन ये भगवान की कृपा कही है, अल्लाह का करम कही, इनकी पूरी मेजोरिटी नहीं आ पाई, भगवान भी मालूम है क्या करने वाले हैं, लिहाजा वो पूरी मेजोरिटी। तो ये चीज जो है वो पिछले अभी अभी आज का इनिशियल जलसा है, ये इनिशियल जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़े पैमाने पूरे इंडिया में इंडिया लेवल पर ये पूरी तहरीक पूरा मूवमेंट चलाया जाएगा इसको, और इसमें हमारे सेकुलर लोगों के पास साथ देंगे, जो हमारे लिबरल हिंदू लोग भी हमारा साथ देंगे, जो दूसरे धर्म के लोग हैं उसमें भी हमारा इंशाल्लाह साथ देंगे, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का नुकसान है और पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक का नुकसान है जो इस बिल के जरिए से पहुंचाया जा रहा है।